दोस्तों, अब हम बागेश्वर धाम की ये वाली पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। इसमें हम शेडिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बागेश्वर धाम की जो ये वाली आँख है, हम पहले इसमें शेडिंग करेंगे। और दोस्तों, इसमें शेडिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह का एक कोई भी पेपर अपने हैंड के नीचे रख लेना है, जिससे कि नीचे का ये वाला सरफेस है गंदा ना हो। और जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसकी जो ग्रेफाइट है वो हमारे हाथों पे यहाँ पर ना लगे। और दोस्तों, अब मैं इसमें आपको शेडिंग करके बताऊंगा कि आपको इसमें शेडिंग कैसे करनी है। दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले शेडिंग करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। और दोस्तों, इसमें मैं फर्स्ट लेयर करने वाला हूँ। और इसमें मैं फर्स्ट लेयर करने के लिए पेंसिल को यहाँ से पकड़ूंगा। और दोस्तों, आप चाहो तो पेंसिल को यहाँ से पकड़ सकते हो। आपको जितनी ज़्यादा लाइट शेडिंग करनी है, आपको उतना ज़्यादा पीछे से पेंसिल को पकड़ना है। और जितना ज़्यादा डार्क शेडिंग करनी है आपको, उतनी ज़्यादा आपको पेंसिल को आगे से पकड़ना है। और दोस्तों, आपको अगर पेंसिल को बैलेंस करना आ गया, तो आप यहाँ से पकड़ कर भी पेंसिल को लाइट कर सकते हो। बहुत ही लाइटली लाइटली पेंसिल चला सकते हो। तो दोस्तों, अब हम इसमें फर्स्ट लेयर करेंगे। फर्स्ट लेयर करने के लिए दोस्तों, देखो मैं अपने हैंड को कितना ज़्यादा लाइटली मूव कर रहा हूँ। आपको भी दोस्तों इसी तरह से अपने हैंड को लाइटली मूव करना है, और उसी के साथ साथ आपको शेडिंग करते जाना है। और आपको दोस्तों लाइट डार्क को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, देन उसके बाद आपको शेडिंग स्टार्ट करनी है। और दोस्तों, आपको फर्स्ट लेयर करते टाइम प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एकदम से किसी भी चीज़ को डार्क कर दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, उसमें हार्डनेस आ जाएगी। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको जो इसमें ग्रिड दिख रहा है, आपको उसको भी रफ करना है, जिससे कि आपके शेडिंग करते टाइम ये आपको कोई प्रॉब्लम ना करे। क्योंकि दोस्तों, जब आप शेडिंग कर दोगे और फिर आप इसको मिटाना चाहोगे, तो ये नहीं मिट पाएगा, जिससे कि आपका आर्टवर्क खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ये सबसे पहले मिटा लेना है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर इस लेड पेंसिल से शेडिंग करूँगा, जो कि ये बहुत लाइट है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें फर्स्ट लेयर कैसे करनी है। आपको दोस्तों इस तरह की कोई भी लेड पेंसिल ले लेनी है, या फिर आप 2B पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको अगर सबसे लाइट शेडिंग करनी है, तो पेंसिल को आपको सबसे पीछे से पकड़ना होगा, जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है। देन उसके बाद आपको अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा लाइटली मूव करना होगा, बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग करनी होगी, तब जाकर दोस्तों वो बहुत ही लाइट शेडिंग हो पाएगी। और आपको दोस्तों प्रेशर्स का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है फर्स्ट लेयर में। अब दोस्तों, जो इनका चीक वाला एरिया है, मैं इसमें भी दोस्तों फर्स्ट लेयर करूंगा। और मैं फर्स्ट लेयर करने के लिए दोस्तों अपने हैंड को बहुत ही लाइटली लाइटली मूव करूंगा, और बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग करूंगा दोस्तों। और आपको इसी के साथ साथ दोस्तों लाइट और डार्क अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। जहाँ पर लाइट शेडिंग है, आपको वहाँ पर इसी पेंसिल से लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है, वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है, और फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए हम किसी पॉइंटेड ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही छोटा छोटा एरिया है। तो हम इसमें इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम इसको इजीली ब्लेंड कर पाएंगे। जो ये शेडिंग हमने किया है, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इस ब्रश से शेडिंग करने के लिए आपको ब्रश को यहाँ से पकड़ लेना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग को ब्लेंड करना है, अपने रेफरेंस को देखकर। आपको अपने रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है,
जहाँ पर दोस्तों लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको अपने हैंड को बहुत ही लाइटली मूव करना है, और जहाँ पर आपको डार्क शेडिंग को ब्लेंड करना है वहाँ पर आप प्रेशर्स का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपको शेडिंग करते टाइम या ड्राइंग करते टाइम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी बनाना होता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो एक प्रॉपर जो भी आप बना रहे होते हो वो कैरेक्टर आ जाता है, उसका लुक आता है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, नज़रअंदाज करते हो, तो वो एक पूरा प्रॉपर कैरेक्टर नहीं आ पाता है। अब दोस्तों ये थोड़ा बड़ा एरिया है तो मैं यहाँ पर इस थोड़े बड़े ब्रश का यूज़ करूँगा जो कि फ्लैट ब्रश है। आप इसकी हेल्प से भी बहुत इजीली इस शेडिंग को ब्लेंड कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपको भी सेम ऐसे ही शेडिंग को ब्लेंड करना है। अब दोस्तों हम थोड़ी और डार्क शेडिंग करेंगे। देखिए जैसे कि आप प्रेफरेंस में देख रहे हो इसमें थोड़ी और डार्क शेडिंग की नीड है, जो इनकी आंखों का आई बोल आप देख रहे हो दोस्तों, इसमें हम थोड़ी और डार्क शेडिंग करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें जितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग की नीड होगी हम उतनी ज़्यादा इसमें डार्क शेडिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब दोस्तों मैं इसकी आंखों के आई बोल में शेडिंग करूँगा, और इसमें शेडिंग करने के लिए दोस्तों मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें शेडिंग करनी है। अब दोस्तों मैं इसमें धीरे धीरे शेडिंग की जो ग्रिड्स होती हैं HB, 2B, 4B, 6B एंड 10B, इनको अपने रेफरेंस को देखकर जितनी मुझे नीड होगी मैं उतनी ज़्यादा डार्क शेडिंग करूँगा। अगर आपको डार्क शेडिंग करनी है तो दोस्तों जहाँ से मैंने पेंसिल को होल्ड किया हुआ है आप वहाँ से पेंसिल को होल्ड करके पकड़ सकते हो, जिससे कि आप एक इजीली डार्क शेडिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों जो आंखों के आई लेसिस होते हैं ये थोड़े डार्क हैं, तो मैं इसको भी डार्क करने के लिए इसी 4B पेंसिल का यूज करूंगा। अब दोस्तों जो इनकी आंखों की आईब्रो है ये थोड़ी ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसको डार्क करने के लिए इसी 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। और जिस डायरेक्शन में दोस्तों इन आईब्रो का फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में आईब्रो बनी होगी आपको उसी डायरेक्शन में अपने पेंसिल को मूव करना है और आईब्रो बनाते जाना है, जिससे कि आप इजीली आईब्रो बना सकते हो। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इनके आईब्रो में थोड़ी डार्क शेडिंग कर दी है। अब दोस्तों जो इनके चीक वगैरह है मैं इनमें थोड़ी और डार्क शेडिंग करूँगा, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी और डार्क शेडिंग की नीड है। आपको भी ऐसा ही करना है, जितनी ज़्यादा डार्क शेडिंग की नीड होगी दोस्तों आपको वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा डार्क शेडिंग करनी है। जब आप दोस्तों ऐसा करोगे तो आपका कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा। अब दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं इस राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा, जो कि एक पॉइंटेड ब्रश है, और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट प्रेशर्स के साथ उस लाइट शेडिंग को ब्लेंड करना है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है जैसे कि इनका आई बोल, इनकी आईब्रो, तो यहाँ पर आप थोड़े प्रेशर्स का अप्लाई कर सकते हो जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
इसी तरह से दोस्तों आपको इस पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। देखिए दोस्तों, इस ब्रश से ब्लेंड होने के बाद ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। आप भी दोस्तों इन रूल्स को फॉलो करके अपने किसी भी आर्ट वर्क को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। देखिए दोस्तों, इनकी आंखों का जो आई बोल है अभी थोड़ा और डार्क करना बाकी है, तो अब हम दोस्तों इसे थोड़ा और डार्क करेंगे। और हम इसे डार्क करने के लिए दोस्तों इस 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और दोस्तों हम इसे जब डार्क करेंगे तो हम इसमें थोड़ा प्रेशर्स का अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा डार्क एरिया है। अब हम इसमें प्रेशर्स का अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको डार्क शेडिंग करनी है तो पेंसिल को आपको आगे से पकड़ना है, अगर आपको लाइट शेडिंग करनी है तो आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है। अब दोस्तों इसी तरह से मैं इनकी आईब्रो को भी डार्क कर दूंगा। जिस डायरेक्शन में आईब्रो के हेयर्स हैं, मैं उसी डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव करते हुए पेंसिल से इनके हेयर्स बनाऊंगा। अब दोस्तों इस शेडिंग को भी ब्लेंड करने के लिए मैं इन पॉइंटेड ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों सेम पॉइंटेड ब्रश हैं, बस एक छोटा रेशे वाला है और एक बड़े रेशे वाला है। तो आप किसी से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो दोस्तों। मैं इस वाले ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये डार्क शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश है। आप भी इसी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। इस ब्रश से ब्लेंड करने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से ब्रश को मूव करना है। अगर लाइनिंग है तो आपको लाइनिंग के ऊपर इस तरह से ब्रश को चलाना है, और अगर नॉर्मली आपको शेडिंग को ब्लेंड करना है तो इस तरह से आपको राउंड राउंड ब्रश को मूव करना है, जिससे कि कोई भी शेडिंग इजीली ब्लेंड हो जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इन पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड किया था, आप भी देख सकते हो। आप भी इसी तरह से अपने किसी भी आर्टवर्क को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। अब दोस्तों मैं इसमें फाइनल 10B पेंसिल से शेडिंग करूंगा। सेम आपको वही रूल का अप्लाई करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। डार्क शेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रेशर्स का अप्लाई करना है, जिससे कि वो प्रॉपर डार्क हो जाए और वो रियलिस्टिक लगे। अब दोस्तों हमें कहीं कहीं पर छोटी छोटी हाईलाइट्स लगानी है, और इन्हें लगाने के लिए हम इन 3 इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों नीडेड इरेजर है, और ये दोस्तों इसको आप किसी भी फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो और हाईलाइट्स लगा सकते हो। और दोस्तों ये है टोमो मोनो 0 इरेजर, इसकी हेल्प से भी आप इसमें ईजिली हाईलाइट्स लगा सकते हो, ये काफ़ी अच्छी है। और यह है दोस्तों इलेक्ट्रिक इरेजर, इसकी हेल्प से भी आप इसमें बहुत ईजिली हाईलाइट्स लगा सकते हो। दोस्तों इस इरेजर से हाईलाइट्स लगाने के लिए आपको इस इरेजर को इस तरह से पॉइंटेड बनाना है और अपने रेफरेंस को अच्छे से देखना है। देन उसके बाद जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स वाला एरिया है, वहाँ पर आपको इस तरह से पॉइंटेड कर करके हाईलाइट्स लगानी है। इस तरह से दोस्तों आपको हाईलाइट्स लगानी है। देखिए कितना ज़्यादा ये हाईलाइट्स हो चुका है, और अब आप इस वाले एरिया में हाईलाइट्स लगा सकते हो। जो आंखों के आई बोल है, इसके पास वाला वाइट एरिया है, इसमें भी इस तरह से टिप टिप करके आप हाईलाइट्स लगा सकते हो। दोस्तों जो इनका चीक वाले एरिया है, इस पर भी आप दोस्तों ऐसे टैप टैप करके आप हाईलाइट्स लगा सकते हो। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है, आप किसी भी रेफरेंस पर या किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर इजीली हाईलाइट्स लगा सकते हो।
अब दोस्तों आपको इस तरह का एक फ्लैट ब्रश लेना है और जो हमने हाइलाइट्स लगाई है इसको बहुत ही धीरे धीरे आपको इस तरह से ब्लेंड करना है जिससे कि वो एकदम से हार्ड ना रहे, उसमें एकदम से हार्डनेस ना आए और वो रियलिस्टिक लगे। इस ब्रश की हेल्प से दोस्तों आप किसी भी शेडिंग को इजीली ब्लेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप शेडिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।